आई वॉन्ट ओनली जी एल सी मुंबई और आई एल एस पुणे कॉलेज और नथिंग. दिस शुड बी योर एटीट्यूड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 2023 महाराष्ट्र लॉ सी टी 3 and 5 years. सो अगर 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सो अपना टारगेट जी एल सी और आई एल एस पुणे. अपार्ट फ्रॉम दिस देर शुड नॉट बी एनी अदर टारगेट. ओके, बिकॉज टाइम अपने पास काफ़ी डिसेंट है. सो विल टॉक अबाउट हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर 3 and 5 years स्टूडेंट. अभी जितने बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हो दे विल बी टारगेटिंग फॉर लॉ 5 years एंड जितने भी लोग सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हो यू विल बी टारगेटिंग फॉर लॉ सी टी 3 years एग्जामिनेशन. और इट्स बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दी बैचेस फॉर द क्लासरूम एंड द ऑनलाइन लाइव बैचेस. सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट मुंबई दादर सेंटर बोरीवली सेंटर एंड वसई सेंटर फॉर क्लासरूम कोचिंग. बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आर ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हो. आर टीम विल हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू दी बैचेस. सो सेंटर्स पर विजिट करके यू कैन टेक द काउंसलिंग अगर आप मुंबई में हो दादर में जाके बोरीवली एंड वसई सेंटर्स पर. ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू दी वीडियो पार्ट. 11th स्टैंडर्ड में अभी से प्रेशर चालू हो गया रहेगा. 2021 दिसंबर चल रहा है अभी, तो ये तो ईयर भूल जाओ, अपना गया ये साल. ठीक है, अब 2022 आ गया. मान लो कि 2022 आ ही गया है आपका. अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन. सो 2022 अराउंड अप्रैल मई से स्टूडेंट जो होते हैं वो 12th बोर्ड जो उनका बोर्ड एग्ज़ाम है उसका प्रेशर चालू हो जाता है. इनफैक्ट उसके पहले से काफ़ी. अगर साइंस बैकग्राउंड है साइंस से लॉ अगर आप कन्वर्ट लॉ डोमेन में जा रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज आपको 80%, 90%, 95%, 85% ये चाहिए एकेडमिक में. सो एकेडमिक स्कोर इज इम्पॉर्टेंट बट लेट मी टेल यू एमएच लॉ सीटी में आपका एकेडमिक विल नॉट प्ले एनी इम्पॉर्टेंट रोल. इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो आपका स्कोर करेगा. सो अगर जी एल सी जाना है तो अभी इस साल के हिसाब से 125 प्लस का टारगेट लेके चलो बिकॉज 2023 में लिखोगे तब तक कॉम्पिटिशन और इंक्रीज़ हो चुका रहेगा. एंड आई एल एस पुणे अगर 125 प्लस आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग. सेम वे सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में जो लोग हो अब यू विल बी कमिंग अप इन द फाइनल ईयर विच इज़ नथिंग बट इन द ईयर ऑफ 2021. तो 2021 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होता है और जो आपका 12th का एग्ज़ाम है वो है आपका फैब से मार्च के बीच में होता है. तो ये जो 2023 है वो तो भूल जाओ आपके पास नहीं है. तो 2021 भी गया तो बचा क्या अभी पूरा 2022 प्रिपरेशन के लिए. सो 2023 दिखने में लग रहा है कि काफ़ी दूर है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 2023 आने में. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस योर बोर्ड का प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड गेट वे फॉर द टॉप लॉ कॉलेजेस लाइक जी एल सी एंड आई एल एस में ओनली सी ई टी स्कोर नो एनी स्कोर. ठीक है, सिर्फ सी ई टी के स्कोर अगर आपका आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग योर एडमिशन. सो बेसिकली हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन पर लेट्स टॉक अबाउट इट. तो अभी से स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन. अभी दिसंबर चल रहा है सो 2021 ये टाइम को यूज़ करो और मई जून मतलब जून तक का टाइम पकड़ लो. मई से जून तक का तो रफली 6 months का जो आपके पास बफर टाइम है उसको यूज़ कर डालो अच्छे से. पूरा एक बार सिलेबस ख़त्म कर डालो 6 महीने में. ये तरीके से 2023 की प्रिपरेशन करनी है. नाउ व्हेन यू ज्वाइन दी बैचेस चाहे आप कोई भी सेंटर ज्वाइन करो या तो ऑनलाइन लाइव तो आपको प्री रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाता है. यू गेट कंप्लीट एक्सेस ऑफ द प्री रिकॉर्डेड बुक्स आपको मिल जाती है. यू गेट द एक्सेस ऑफ द योर टॉपिक टेस्ट. सो थ्रू वीडियो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग ऑल द टॉपिक वाइज वीडियोज लेक्चर्स एंड उसको लेकर के बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आपके लेक्चर्स जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूस मोड पर ऑन ही रहेंगे. तो ये काम आपको डेली से चालू कर देना है. इसके अलावा बींग अ लॉयर इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. तो लेट मी राइट हेयर इंग्लिश एंड जी के ये डे वन से चालू कर देना. ये मतलब आपका लास्ट तक नहीं होगा. सो जितने लोग वीक हो इंग्लिश में दो जो थिंग मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है मैं मराठी मीडियम से हूँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ या गुजराती मीडियम से हूँ तो आपको बेसिकली इंग्लिश की रीडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आगे एंट्रेंस में तो काम आएगा ही बाकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑल्सो इट विल हेल्प यू. सो रीडिंग न्यूज़पेपर में यू कैन स्टार्ट विथ इंडियन एक्सप्रेस अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा पुअर है तो एंड अगर इफ़ यू थिंक तो एवरेज अबव है तो फिर द हिंदू. इसमें भी क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है मॉर्निंग टाइम आई ऑल टाइम एडवाइस 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे दो. 15 मिनट आप दो पेज वन को जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एंड 45 मिनट्स आपका लगेगा एडिटोरियल. ये दो पेज ही पढ़ना है एडिटोरियल पेज एंड पेज वन. उसके अलावा अगर आपको और भी टाइम मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ लो फोटो देखने का मन है तो फोटो देख लो बट ये दो पेज अपने को कंप्लीट करना होगा न्यूज़पेपर से. तो यहाँ से आपका जीके भी वर्क हो रहा है और इंग्लिश भी वर्क हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर जीके जीके को लेकर के ऑन योर पोर्टल देर आर द वीडियोज़ गिवन एंड देर आर द हैंड आउट्स गिवन.
मंथ वाइज हैंड आउट्स है और कैटेगरी वाइज डिफाइन किया, वर्ल्ड न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फिर आपका अवार्ड्स को लेकर के, तो पूरा PDF दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो। सो PDF पढ़ने के बाद वीक वाइज है, तो 1 वीक का वीडियो, PDF पढ़ने के बाद 1 वीक का वीडियो देखो, इस तरह से आपको काम करना है। GK को लेकर मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कैसे जाना है, बट GK और इंग्लिश वो आपका लास्ट तक खत्म नहीं होगा। और GK और इंग्लिश में ही लोगों का स्कोर नहीं आता, आप लॉजिक कर लोगे, ठीक है, आप लीगल कर लोगे, अगर 5 ईयर्स लिख रहे हो तो मैथ्स कर लोगे, बट ये दो एरिया जो है वो आपका स्कोर मतलब नहीं आएगा यहाँ पे, अगर आप इससे स्टार्ट नहीं करोगे प्रिपरेशन। सो दैट इज़ वाई 2023 को लेके वी हैव लॉन्च द बैचेस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम फॉर द बैचेस एंड स्टार्ट योर रिग्रेस प्रिपरेशन, बिकॉज इट अभी का टाइम है जो आप यूज़ कर पाओगे, उसके बाद तो प्रेशर आने वाला है, उसके बाद बोर्ड का प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा कि आप उसमें ही रह जाओगे, एंट्रेंस पे ध्यान नहीं आएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे बोर्ड लिखोगे उसके इमिडिएटली बाद आपका एंट्रेंस है, तो फिर टाइम नहीं है आपके पास। और होगा क्या कि अगर स्कोर कम आया तो 2023 पूरा गया, एक साल वेस्ट होगा बच्चे का, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एक साल वेस्ट हुआ मतलब एक साल का गैप आ गया आपका, उसके बाद आप फिर से एंट्रेंस लिखोगे कोई गारंटी नहीं है स्कोर आएगा, अगर स्कोर नहीं आया तो फिर 2 साल का गैप होगा। ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अभी से थोड़ी सी प्री प्लानिंग ले लूँ अपने करियर को लेकर के, बिकॉज एंट्रेंस स्कोर विल डिसाइड विच कॉलेज यू विल एंड अप विथ एंड डिपेंडिंग ऑन योर करियर विल बी डिसाइडेड फ्यूचर में आपका जो प्लेसमेंट्स है। सो वंस अगेन डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश और GK ये दो एरिया पे काम करना है, बाकी का जो आपका लॉजिक है, मैथ्स है, लीगल है, ये आप वीकेंड में भी रखोगे, मैथ्स को लेकर लॉजिक को लेकर वीकेंड रखो आप, सैटरडे और संडे 2-3 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए, 4 घंटे आप, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम यूज़ करो। इफ यू थिंक मैं पूरा दिन फ्री हूँ तो वीकडेज को भी यूज़ कर सकते हो, तो वीकडेज में आपके लाइट वाले टॉपिक रखो, और जो रिग्रेसली जो बैठ के प्रैक्टिस करना है, जैसे लॉजिक करना है आपको, मैथ्स करना है, उसको वीकेंड में रखो। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू फॉर द प्रिपरेशन। या अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अलॉन्ग विथ योर MH लॉ CET एग्जाम, जो आपका 5 ईयर्स का लॉ का एग्जाम है, उसमें MH लॉ CET तो अपने को लिखना ही है, उसके बाद क्लैट का भी फॉर्म भरो, स्लैट सिम्बॉसिस का फॉर्म भरो, LSAT, DU अगर आपको लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज ये 3 एग्ज़ाम तुम्हें मैंडेटरी है, लिखना ही है लिखना, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। बिकॉज क्लैट के थ्रू यू विल गेट NLU, स्लैट के थ्रू यू विल गेट सिम्बॉसिस, स्लैट LSAT के थ्रू यू विल बी गेटिंग द जिंदल कॉलेज, जो भी काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा DU LLB के थ्रू। 3 ईयर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको MH लॉ CET लिखना ही है। सिम्बॉसिस का भी उनका एंट्रेंस नहीं है, उनका इंटरव्यू होता है और उनके GD वाला पार्ट होता है, तो वो एक बार चेक कर लेना, ये वाला एग्जाम लिखो, LSAT लिखो यार, जिंदल अच्छा कॉलेज है। और NLU बैंगलोर ने भी अभी अनाउंस किया हुआ है रिसेंटली 3 ईयर्स को लेकर के, कि दे विल बी स्टार्टिंग 3 ईयर्स प्रोग्राम, बट अभी तक अपडेट नहीं है कि किस क्या स्कोर लेंगे और कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस होगा बेसिकली, ठीक है। सो वंस डिटेल विल बी आउट फ्रॉम NLU बैंगलोर, तो उसके ऊपर भी आई मेक द वीडियो। टिल देन बी कनेक्टेड विद द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जितने भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव, सिबलिंग, कजिन, जो भी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर अभी ये वाले ईयर के लिए 2022 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन। सो वन सेकेंड गाइस, माइंड में ये टारगेट लेके चलो, GLC जाना या तो फिर IELTS और नथिंग मतलब ये आपके नोटिस बोर्ड के सामने जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, मतलब लिख के आपके वॉल पे स्टिक कर दो, ये टारगेट आपका होना चाहिए। जब तक टारगेट सामने नहीं होगा, और क्या स्कोर बताया मैंने, 125 प्लस का स्कोर अपने को चाहिए, ये माइंडसेट जब तक नहीं होगा तब तक एटीट्यूड उस तरह से नहीं होगा, यो इट विल नॉट कम इनटू द एक्शन, जो आप सोचोगे वही आपके एक्शन में आएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एक्शन में आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एक्शन में आएगा। सो चॉइस इज योर्स कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली GLC एंड IELTS, सो 3 टाइम्स मेरे साथ बोलो, GLC या तो फिर IELTS और नथिंग, GLC और IELTS और नथिंग, GLC और IELTS नथिंग, दिस शुड बी योर टारगेट। सो प्रिपेयर वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।